गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। इससे पहले हम फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। देखिए, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है प्लैटीहेलमिंथेस, प्लैटी का मीन्स होता है फ्लैट, हेलमिंथ मीन्स होते हैं वर्म। यानी इसके अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं? फ्लैट वर्म्स, जो फ्लैट होते हैं। कैसे? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। क्या होते हैं? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मीन्स होता है जो ऊपर से और नीचे से दोनों तरह से पिचके हुए, जैसे लीफ की तरह के जो एनिमल्स हैं, या जैसे टेप वर्म हो गया। टेप वर्म इसमें आता है, फेसियोला हेपेटिका यानी लिवर फ्लूक इसमें आता है, जो बिल्कुल लीफ की तरह होता है। तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी ऊपर सरफेस से और नीचे सरफेस से भी बिल्कुल फ्लैट होता है, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट की तरह। डॉर्सो मतलब ऊपर वाली साइड और वेंट्रल मतलब नीचे वाली, तो इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड से ऐसे फ्लैट होगा बिल्कुल पत्ती की तरह। तो इसमें क्या आते हैं? फ्लैट वर्म, जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। फ्लैट वर्म मोस्टली एंडोपैरासाइट एनिमल्स, किसमें होते हैं? मोस्टली जो है ये एंडोपैरासाइट हैं, जो एनिमल्स में और ह्यूमन बींग के अंदर जो है रहते हैं। एंडोपैरासाइट है यानी बॉडी के अंदर। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, आपको ये बात तो पता होगी स्टूडेंट। एक होते हैं एक्टो पैरासाइट और एक होते हैं एंडो। एक्टो जो बॉडी के बाहर रहते हैं और एंडो जो बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडो का मीन्स अंदर, तो जो अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, जो बॉडी के बाहर रहते हैं वो कहलाते हैं एक्टो पैरासाइट। तो ये मोस्टली एंडो पैरासाइट है। कुछ फ्री लिविंग भी है जैसे कि प्लेनेरिया, ठीक है। तो एंडो पैरासाइट है जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर रहते हैं और ज्यादातर इंटेस्टाइन के अंदर। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये देखो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। एक तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर आ गया इसका, फ्लैटेंड वर्म, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ये इसका फाइलम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा, ये जो है एंडोपैरासाइट तो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी यहाँ से पहले हमने क्या पढ़ा था? सिलेंट्रेटा, पहले पॉलीफेरा जिसके अंदर एसिमेट्रिकल था, उसके बाद पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल था, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल। अब प्लैटीहेलमिंथेस से बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ तक? कॉर्डेटा तक। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब मिरर इमेज, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ जो है बिल्कुल बराबर होंगे। तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ यानी मिरर इमेज है, तो अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं तो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड एक जैसा है, मतलब बराबर है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन जर्म लेयर, अभी तक हमने टीनोफोरा सिलेंट्रेटा में देखा था। डिप्लोब्लास्टिक यानी दो जर्म लेयर थी, यहाँ पर क्या है? तीन जर्म लेयर, यहाँ से स्टार्ट हो गई कॉर्डेटा तक ये करेक्टेड जाएगा। एसिलोमेट यानी एसके हेलमेंथिस, यानी इसके बाद का जो फाइलम आएगा एसके हेलमेंथिस, ये हमने पढ़ा है, उसमें होती है सूडोसिलोमेट यानी फॉल्सिलोम। उससे पहले वाले सारे क्या होते हैं? एसिलोमेट। तो ये किस कैटेगरी में है अभी? एसिलोमेट, यानी तीन जर्म लेयर तो बन गई इसकी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, बट अभी तक सीलोम जो है वो नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये कहलाते हैं एसिलोमेट, यानी इसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। तीन जर्म लेयर आ गई है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो गया है, बट अभी तक बॉडी कैविटी नहीं बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिलोमेट। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे यहीं से चेंज हुए हैं। बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे चेंज हुई, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर अभी तक हमने सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या था? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलीवेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। अब इसमें ऑर्गन लेवल है और उसके बाद चेंज होगी, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगी। तो इस ये फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन हुई है। पैरासिटिक अडेप्टेशन इसके अंदर क्या है? क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है, पैरासाइट है यानी बॉडी के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, या लिवर के अंदर, जैसे शीप लिवर फ्लूक है तो वो लिवर के अंदर। तो इनमें क्या अडेप्टेशन है पैरासिटिक अडेप्टेशन? कि ये बॉडी के अंदर रह सके, तो हुक्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स किस में? जैसे टेप वर्म, टीलिया सोलियम, उसके अंदर हुक्स प्रेजेंट है ताकि वो आराम से वहाँ पे चिपक के अंदर रह सके। सकर प्रेजेंट है जैसे फेसियोला हेपेटिका है, यानी जो लिवर फ्लूक है उसमें सकर प्रेजेंट होते हैं, जो अडहेशन में भी हेल्प करते हैं, चिपकने में भी हेल्प करते हैं और अब्सॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। फिर डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस, इसकी बहुत पतली सी फ्लैट वर्म है, आराम से वहाँ आ जाते हैं, पतली सी लेयर होती है, डायरेक्ट जो है ये डाइजेस्टिव फूड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस से, ठीक है। तो ये इसकी अडेप्टेशन है, डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस,
बॉडी सरफेस से डायरेक्टली अब्सॉर्प्शन होता है, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है, ये इसका पैरासिटिक अडेप्टेशन है। अब यहाँ पर एक इस फाइलम का एक और करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये फ्लेम सेल, स्पेशलाइज्ड सेल इसमें प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्यों स्टूडेंट इसका नाम है, ये इस तरह की सेल होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सीलिया, ये बेसल ग्रेन्यूल से सीलिया निकल रहे हैं और ये इस तरह से यहाँ पर एक बन जाते हैं इकट्ठा आके और ऐसे फ्लिकर करते हैं, जैसे अगर हम फ्लेम जलाते हैं कोई तो ऐसे फ्लिकर करती है ना, ऐसे फ्लिकर कर रही होती है, तो ये सीलिया भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं जैसे फ्लेम फ्लिकर कर रही है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फ्लेम सेल। तो ये भी इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में जो है वो हेल्प करती है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन यानी जो बॉडी फ्लूइड है, जो वाटर है उसके लेवल को मेंटेन करना, और एक्सक्रीशन मींस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये फ्लेम सेल में बाहर देखिए सूडोपोडिया है, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पर ये बेसल ग्रेन्यूल है जिससे सीलिया राइज हो रहे हैं और ये सीलिया एक साथ ऐसे मिलकर ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं जैसे फ्लेम फ्लिकर कर रही होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्लेम सेल, जो इस फाइलम का भी करेक्टर, इस फाइलम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, या और आ सकता है कि कहाँ से ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। उसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब क्या है, ये भी हर्माफ्रोडाइट, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, जैसे हमने उसमें बात की थी अभी भी इससे पहले टीनोफोरा में भी बात की थी हमने कि वो भी हर्माफ्रोडाइट था, यानी मेल सेक्स सेल जो है और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे उनमें जो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, यानी बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब किस में इंटरनल होगा, किस में एक्सटर्नल होगा, कौन कौन से फाइलम में इंटरनल होता है, कौन से में एक्सटर्नल होता है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी ताकि आप उसको इजीली लर्न कर सकें। और फिर इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन आता है कि किस फाइलम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, किस में एक्सटर्नल है, या तो इंडिविजुअल के नाम से पूछ लेते हैं या फाइलम के नाम से पूछ लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, किसमें एक्सटर्नल। तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल फीमेल जो है वो प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन्स और जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उनका फ्यूजन इंटरनल होता है, पर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं। तो आपको मैंने बताया था अगर लार्वल स्टेजेस होती है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, अगर लार्वल स्टेजेस नहीं होंगी तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। फिर प्लेनेरिया जो है, जो जो पैरासाइट नहीं है, जो फ्री मूव करता है, उसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। हाई रीजनरेशन का कैपेसिटी का मतलब है इस तरह से होता है प्लेनेरिया, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। अगर ये दो पार्ट में कट जाए, तीन पार्ट में कट जाए, तो वापस से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी कितने भी पार्ट में अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो वापस से अपने पूरे पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। तो इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अपने पूरे पार्ट को, जो लॉस्ट पार्ट है उसको वापस से रिगेन कर लेता है। तो इसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। तो ये भी आ जाता है कि प्लेनेरिया के अंदर किसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी है, कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, अगर इसको दो पार्ट, तीन पार्ट, कितने भी पार्ट में ये ब्रेक हो जाएगा वापस से अपना पूरा पार्ट रिगेन कर लेगा। तो ये हो गया हमारा प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब वर्म, जिसके अंदर फ्लैट वर्म आते हैं जो पत्ती की तरह या रिबन की तरह फ्लैट होते हैं, टेप की तरह, इसलिए इसका नाम है टेप वर्म। और फेस्यूला हेपेटिका जिसको बोलते हैं लिवर फ्लूक, शीप लिवर फ्लूक, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल पत्ती की तरह से होती है। और क्या है ये, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी यहाँ से बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हो गई, यानी तीन जर्म लेयर आ गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एसीलोमेट है, यानी बॉडी कैविटी नहीं बनी है अभी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पैरासिटिक अडेप्टेशंस प्रेजेंट है, हुक्स प्रेजेंट है, सकर प्रेजेंट है, डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, फ्लेम सेल इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है जो ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, हर्माफ्रोडाइट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।